नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। राजस्थान के बारा अटरू उपखंड क्षेत्र के कानोटिया गांव के समीप एक अध्यापक नाले में तब बह गया जब ध्वजारोहण करने बडोरा राजकीय प्राथमिक विद्यालय जा रहा था। उपखंड अधिकारी दिनेश मीणा ने बताया कि अध्यापक अब्दुल हनीफ मांगरौल से विद्यालय में ड्यूटी करने जा रहे थे, तब झाड़ौता व कन्नौटिया के मध्य स्थित नाले में तेज बहाव में उन्होंने अपनी बाइक उतार दी, जिससे बाइक समेत दोनों नाले में बह गए। देर सवेरे मशक्कत कर शिक्षक को ग्रामीणों ने सुरक्षित निकाल लिया, मगर बाइक नाले में बह गई। हमारे तरफ साहब यहाँ पर बाइक निकालते हुए टीम बाया बना की ओर से सुबह करीब 7 बजे करीब गई थी गाड़ी। सतीश मेहता प्रदेश उपाध्यक्ष इंटक यूपी की तरफ से समस्त क्षेत्रवासी एवं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुधीर मिश्रा समाज सेवी की तरफ से समस्त जनपद वासियों को 15 अगस्त एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जितेंद्र तोमर ब्यूरो चीफ डीबी भारती समाचार आगरा की तरफ से समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण राठौर लखीमपुर खीरी की तरफ से सभी क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक्य फाउंडेशन द्वारा संचालित जीएनएम नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से, न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर, बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे आरओ का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने, GT रोड, एटा, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9412827579456214 0। संजय सिंह चिरमिरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ की तरफ से सभी क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को रक्षाबंधन व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस देश के हर कोने कोने में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी के चलते कुरावली के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इंटर कॉलेज कुरावली में 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया, जिसके पश्चात SDM योगांतर त्रिपाठी द्वारा हरी झंडी दिखाकर विद्यालय की तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। आपको बताते चलें कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इंटर कॉलेज में मोहम्मद अमर द्वारा झंडारोहण कर स्वतंत्रता दिवस का आगाज किया, जिसके बाद अध्यापकों द्वारा छात्र छात्राओं को वीर सपूतों की गाथाएं सुनाई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद मिष्ठान वितरित कर तिरंगा रैली में ले जाया गया, जहां मौजूद SDM योगांतर त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर छात्र छात्राओं को रवाना किया। ये रैली मोहल्ला पठाननान से शुरू होकर बाईपास, फिर नगर पंचायत पे मिष्ठान कर सदर बाजार होते हुए विद्यालय पहुंची। विद्यार्थियों की गूंज पूरे नगर में सुनाई दे रही थी। सतीश मेहता प्रदेश उपाध्यक्ष इंटक यूपी की तरफ से समस्त क्षेत्रवासी एवं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। देशवासियों को चंद्रिका प्रसाद विश्वकर्मा की तरफ से रक्षाबंधन एवं 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। अंकित गुप्ता की तरफ से सभी क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना टेंट हाउस की तरफ से सभी क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राम केवल यादव प्रधान ग्राम पंचायत लैबुडवा विकास खंड तुलसीपुर जनपद बलरामपुर की तरफ से सभी देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री बालाजी इंटरनेशनल स्कूल उत्तराखंड कॉलोनी बिजली घर रोड मेरठ डायरेक्टर सुभाष सिंह की तरफ से सभी क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संतोष कुमार गुप्ता अध्यक्ष ग्राम पंचायत अधिकारी संघ विकास खंड हराया सत घरवा जनपद बलरामपुर की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाड़ौती संभाग प्रदेश और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस मौके पर सभी घर घर तिरंगा लहराएं। आपका राधेश्याम बैरागी जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बूंदी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भारतीय वैष्णव बैरागी परिषद मुंबई ग्राम लांबा खोह तहसील तालेड़ा जिला बूंदी की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरी बरेली को सजाया गया दुल्हन की तरह। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव का पूरे देश में आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज बरेली पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया गया। पुलिस के जवानों ने ध्वज को सलामी देते हुए राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता गाया। इसके बाद पुलिस के जवानों को बरेली एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने सम्मानित किया, जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए बेहतर कार्य किए। साथ ही उन पुलिस के जवानों के परिवार के लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वहीं बरेली एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने सभी को आज़ादी के अमृत पर्व स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी तथा कहा कि हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीकों को, राष्ट्रीय गान को देख कर और सुनकर गौरव की अनुभूति होती है। हमें अपने देश की आन बान शान को बचाए रखना है, इसे और आगे ले जाना है, इसमें आभा और प्रकाश और चमके, इसका संदेश दिया। आज़ादी के इस अमृत पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ सभी को, पूरे जनपद वासियों को बधाइयाँ। और इसके माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि अपने राष्ट्रीय गान को, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को, अपने राष्ट्रीय ध्वज को देख कर हमें जो गौरव की अनुभूति होती है, उस अनुभूति के साथ हमें इस देश के पूर्ण आन बान शान को बचाए रखना है, उसे और आगे ले जाना है और उसमें आभा और प्रकाश आए और चमके, ये हमारा संदेश है। नारायण पाल पूर्व विधायक सितारगंज की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
कुमार साहबा फास्टर फाउंडेशन फाउंडर रक्षाबंधन 15 अगस्त और जन्माष्टमी आम जनता। दीपक धामरोड़िया टांची की ओर से सभी क्षेत्रवासी एवं जनपद वासियों को रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दिलीप मंडवाल टांची की ओर से सभी देशवासियों को रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लखीमपुर खीरी बीरपाल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। चौकी प्रभारी शारदा नगर साहब लाल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की एवं रक्षाबंधन की सभी क्षेत्रवासियों को एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के बारां जिले के छबड़ा विधानसभा क्षेत्र के नजदीक से निकल रही पार्वती नदी के किनारे मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हुए गुना जिले के राघोगढ़ तहसील के धरनावदा के नजदीक माँ पार्वती नदी के किनारे बसे जागीरदारों के गाँव गोंदलपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं गौरव तिरंगा यात्रा का जश्न बड़ी संख्या में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान वहां पर तैनात शिक्षक विजय सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के दिन संपूर्ण भारतवर्ष में खुशी और हर्षोल्लास का दिन। आज देश के हर महिला पुरुष और नौजवान युवक युवतियां समेत देश के हर हिस्से में बसे भारतवासी के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज पूरा भारत आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वें जश्न में डूबा हुआ है। जहाँ देखो वहाँ तिरंगे से पूरा देश रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है। देश के हर हिस्सों में खेत खलियानों से लेकर घरेलू काम करने वाली महिलाओं से लेकर हर नौजवान युवक युवतियाँ और बालक बालिकाओं सबकी जुबां पर सिर्फ वंदे मातरम भारत माता की जय जैसे देशभक्ति का जय घोष सुनाई दे रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हुए मध्य प्रदेश के गुना जिले के राघोगढ़ तहसील क्षेत्र में गोंदलपुर के शासकीय एकीकृत पाठशाला माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने एवं अभिभावकों ने बड़ी उत्सुकता के साथ 75वें स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने विद्यालय से लेकर पूरे गाँव में वंदे मातरम भारत माता के नारे लगाए और गांव में तिरंगे के साथ रैली निकाली, जिसमें छात्र छात्राओं में बड़ा जोश जुनून और हर्षोल्लास देखने को मिला। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री विजय कृष्ण चौहान समेत अन्य कई शिक्षक और ग्रामवासी मौजूद रहे। अरविंद चौधरी श्याम प्रॉपर्टी एंड कंट्रैक्शन शास्त्रीपुरम आगरा की तरफ से सभी क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आकाश पाठक वरिष्ठ छपा नेता आवास विकास कॉलोनी आगरा की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निजामुद्दीन प्रधान ग्राम पचोरा विकास खंड श्री दत्तगंज जनपद बलरामपुर की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जगदम्बा द्विवेदी प्रधान ग्राम किठौरा विकास खंड श्री दत्तगंज जनपद बलरामपुर की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद रिजवान प्रधान प्रतिनिधि ग्राम धमौली विकास खंड श्री दत्तगंज जनपद बलरामपुर की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रामपाल सैन प्रधान प्रतिनिधि ग्राम गालिबपुर ब्लॉक श्री दत्तगंज जनपद बलरामपुर की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माजिद खान बडौरा अटरू की ओर से देश एवं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अफसाना बेगम प्रधान मोहम्मद आजम प्रतिनिधि गांव चिरोला ब्लॉक गंज डुडवारा जिला कासगंज की तरफ से समस्त क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाड़ौती संभाग प्रदेश और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हीरालाल नागर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक शांगोद जिला कोटा राजस्थान। नरेंद्र प्रताप सिंह की ओर से 75वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।
मनोज कुमार मसीहा राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ड्राइवर सुनील के मेसी की तरफ से समस्त क्षेत्रवासी एवं जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अन्नाद सैमसन नवाबगंज बरेली की तरफ से समस्त क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। अरुण थॉमस उत्तर प्रदेश उत्तराखंड स्टेट हेड डीबी भारती समाचार की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। जनपद बलरामपुर पुलिस द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दृष्टिगत हर घर तिरंगा अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के नेतृत्व में महिला पुलिस कर्मियों का हाफ मैराथन 4 किलोमीटर का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री राजेश कुमार सक्सेना के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव के नेतृत्व में हर घर तिरंगा यात्रा कार्यक्रम जनपदीय महिला पुलिसकर्मियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। तिरंगा यात्रा मैराथन कार्यक्रम कोतवाली देहात से प्रारंभ होकर महिला पुलिसकर्मियों द्वारा हाथ में तिरंगा लेकर देश प्रेम व एकता का संदेश देते हुए देहात स्थित शेखुई कला से होते हुए कलेक्ट्रेट मार्ग के रास्ते से कार्यालय पुलिस अधीक्षक बलरामपुर तक दौड़ प्रतियोगिता पूरी की गई तथा राष्ट्रगान गाकर मैराथन का समापन किया गया। बिपिन देख देख लो भाई, देख सभी जनपद वासियों को मेरी तरफ से यानी कि मद्रासी दवा थाना की तरफ से जन्माष्टमी रक्षाबंधन या सफा के दिवस के सभी लोग को शुभकामनाएं। फतेहपुर सिटी हॉस्पिटल की तरफ से सभी देशवासियों को रक्षाबंधन, 15 अगस्त, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियां, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल में कुछ चौराहा मेरी तरफ से सभी देशवासियों को, नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमें ज्ञात है कि हम 75वें वर्षगांठ को एक अमृत महोत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं। मेरे तरफ से अनुरोध है कि सभी देशवासी, क्षेत्रवासी एवं ग्रामवासी इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दें। साथ ही मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि इस समय जो मौसम की वजह से कुछ मौसमी बीमारियां जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, जिनको हम लास्ट ईयर जिस बीमारियों से हम लड़ चुके हैं, तो मेरा अनुरोध है कि सावधानी रखें, घर पे पानी, गंदे पानी का जमा न होने दें, कूलर की साफ़ सफाई नियमित रखें, घरों की साफ़ सफाई रखें। और दूसरी बात
ये है कि अभी हम लगभग 2 साल से कोरोना जैसी महामारी से लड़ चुके हैं और अभी भी कोरोना दस्तक दे रहा है। लगभग हमारे जनपद फिरोजाबाद में 59 केसेस अभी भी एक्टिव हैं और लगभग डेली 24 आवर्स में क्योंकि कोरोना को भी 18 केसेस समझे हुए। तो मेरा मानना यही है, आप लोगों से अनुरोध भी है कि कुछ दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, इनकेस अगर किसी को कोई लक्षण है या कोई सिम्टोमेटिक है तो तुरंत अपने नज़दीकी CSC, BSC या CMO नोडल अधिकारियों को सूचित करें और वहां से कोरोना को प्राप्त करें। जनपद फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज के जवाहर ज्योति अनुज पब्लिक स्कूल में सोमवार को स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव को नए ढंग से मनाने की दिशा में क्षेत्र के रिटायर फौजियों का बड़ा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बैंड बाजों की धुनों पर और बच्चों द्वारा की गई पुष्प वर्षा के बीच रिटायर फौजियों की मंत्रमुग्ध करने वाले अगवानी की गई। आजादी के अमृत महोत्सव में सम्मान पाकर रिटायर फौजी भी गदगद नजर आए। सोमवार को नगर सिरसागंज में धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सिरसा खास स्थित जवाहर ज्योति अनुज पब्लिक स्कूल में नए ढंग से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव को नया रंग देते हुए करीब 40 रिटायर फौजियों को कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। विद्यालय के 151 बच्चों द्वारा रिटायर फौजियों की पुष्प वर्षा के साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय के जयकारों के साथ अगवानी की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अतुल प्रताप सिंह व उप जिला अधिकारी विवेक कुमार मिश्रा उपस्थित थे। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। अरविंद चौधरी श्याम प्रॉपर्टी एंड कंट्रैक्शन शास्त्रीपुरम आगरा की तरफ से सभी क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आकाश पाठक वरिष्ठ सपा नेता आवास विकास कॉलोनी आगरा की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निजामुद्दीन प्रधान ग्राम पचोरा विकास खंड श्री दत्तगंज जनपद बलरामपुर की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जगदम्बा द्विवेदी प्रधान ग्राम किठौरा विकास खंड श्री दत्तगंज जनपद बलरामपुर की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद रिजवान प्रधान प्रतिनिधि ग्राम धमौली विकास खंड श्री दत्तगंज जनपद बलरामपुर की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रामपाल सैन प्रधान प्रतिनिधि ग्राम गालिबपुर ब्लॉक श्री दत्तगंज जनपद बलरामपुर की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माजिद खान बडौरा अटरू की ओर से देश एवं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अफसाना बेगम प्रधान मोहम्मद आजम प्रतिनिधि गांव चिरोला ब्लॉक गंज डुडवारा जिला कासगंज की तरफ से समस्त क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाड़ौती संभाग प्रदेश और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हीरालाल नागर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक शांगोद जिला कोटा राजस्थान। नरेंद्र प्रताप सिंह की ओर से 75वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मनोज कुमार मसीहा राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रेव सुनील के मेसी की तरफ से समस्त क्षेत्रवासी एवं जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अन्नाद सैमसन नवाबगंज बरेली की तरफ से समस्त क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक के फाउंडेशन द्वारा संचालित जीएनएम नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे आरओ का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने GT रोड एटा उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9412282757 9456214। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, DJ साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर लड़के लड़कियाँ, VIP वेटर सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे जलेसर रोड फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप।